अवसर पर जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी श्रृंखला में रामबाग इमामवाड़ा 5 नल चौक के पास रीमा ताई चौहान जनसंपर्क कार्यालय में बैल पोला एवं ताना पोले के अवसर पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रभाग क्रमांक 34 में सीमाताई चौहान पाटिल सचिव नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में तान्हा पोला पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रामबाग इमामवाड़ा में 5 नल चौक स्थित रीमाताई चौहान जनसंपर्क कार्यालय के पास आयोजित किया गया था। गौरतलब रहे कि रीमाताई चौहान की ओर से समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसका लाभ जनता भी बड़ी संख्या में उठाती है। उनके द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिसर के नागरिकों ने भी उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पिछले 5 सालों से यहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से यहां इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, लेकिन इस साल विविध वेशभूषा धारण कर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान सबसे अच्छी जिसकी नंदी बैल सजी हुई थी, उन बच्चों को प्रथम पारितोषिक के रूप में 3,000 रुपए नकद दिए गए। मला 5 वर्ष झाले आहे इथे मी पोळा भरवत आहे, पण 2 वर्षाचा जे कोरोना जो गेला त्या अति त्याप्रमाणे इथे आम्हाला प्रतिसाद नाही मिळाला। आता कसे खुलून मुलं समोर येत आहेत आणि आता भरपूर प्रतिसाद मिळाला आणि एक ह्या भरपूर काळापासून हे पारंपरिक चालत आहे पोळा। आणि शेतकऱ्यांचा खास मित्र म्हणजे बैलजोडी असतं, तर ते आज पण ते पारंपरिक चालत राहिला, त्या कारणामुळे मी हा पोळा इथे दरवर्षी भरवत असतो। मुली वेगवेगळ्या वेशभूषा करून येतात, कोणी कृष्ण बनून येतात, कोणी बैलजोडी वगैरे घेऊन असं येतात, त्याचप्रमाणे त्याला आपण पारितोषिक देतो। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कार्यक्रम वाकई में काबिल-ए-तारीफ रहा। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।